पिछले अध्याय के दौरान हम लोगों ने अध्ययन किया था कि ब्लड जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, उनके टाइप्स, उनके फंक्शंस, उनके सिग्निफिकेंस, सब कुछ हमने जाना था। इसके बाद में इस वाले सेशन के दौरान हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, रक्त का जो थक्का है वो कैसे बनता है। चर्चा का विषय ये रहेगा कि रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, सो टॉपिक फॉर टुडे लेक्चर दैट इज ब्लड कोएगुलेशन, यू कैन से दैट ब्लड क्लॉटिंग, सेम थिंग। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग आप बोल सकते हो, ब्लड कोएगुलेशन आप बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, हमें ये जानना है कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड क्लॉट, ब्लड की क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन है क्या। इस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि ब्लड की क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग क्लॉटिंग हमने क्या लगा रखा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, सपोज कीजिए आपको किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंटल रीजन से, किसी कट की वजह से, कैसे भी आपको जो है ब्लीडिंग हो रही है, आपके शरीर से खून जो है, ब्लड जो है बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग सिंपली। तो वो ब्लीडिंग जो हो रही है, आप देखते हो अगर माइनर चोट है, ठीक है, हल्की फुल्की सी चोट है, तो आपने ये पाया होगा कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होने के बाद में वो रक्त शरीर से बाहर आना, रक्त का बहना, रक्त का बहाव बाहर की तरफ बॉडी से बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि रक्त का थक्का बन गया है। ठीक है, ब्लीडिंग जो स्टॉप हुई है, ब्लीडिंग जो बंद हुई है, वो रक्त का थक्का बनने की वजह से बंद हो जाती है। तो वो रक्त का थक्का, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग, वो सेम चीज है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आप बोल सकते हो, रक्त का थक्का बोल सकते हो, वो सेम चीज है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून का गाढ़ा हो जाना। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में ब्लड हमारा फ्लोट कर रहा था वेसल्स के अंदर, वो जेली टाइप में हो जाता है। कहां पर? इंजर्ड साइट पर। ठीक है, सारा नहीं होगा, इंजर्ड साइट, जहां पर इंजरी हुई है, जो साइट है इंजरी की, वहां पर क्या होता है, वो उसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी जेली शेप में आ जाएगा। बात क्लियर हुई? जेली शेप में आ जाएगा। आगे क्या होता है इसकी कहानी समझिए। हेडिंग डली हुई है ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन आपको नजर आ रहा होगा। तो ब्लड की कोएगुलेशन की रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले ब्लड बहता कहाँ है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, कैपिलरीज में। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली ब्लड वेसल का जिक्र कर लेते हैं कि जो एक ब्लड वेसल होगी उसकी तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, उस ब्लड वेसल की तीन लेयर्स होंगी। ठीक है, तीन लेयर कैसे, सपोज करो ये एक ब्लड वेसल है, तो ये ल्यूमेन है, यहां से जो है ब्लड बह रहा है, तो ल्यूमेन हो गया। उसके बाद ये आपको नजर आ रही है, ये अंदर की लेयर होगी, ये वाली जो लेयर नजर आ रही है, ये वाली, ये बीच की लेयर, और जो व्हाइट कलर की जो सबसे बाहर की, वो बाहरी लेयर। तीन लेयर आपको समझ आई कि ब्लड की लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं, इतनी बात शायद आपको समझ आई होगी। अब ये तीन लेयर्स कैसे कैसे हैं, देखो हमने यहां सबसे बाहर ये ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ, ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर, इसको नाम हमने दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको नाम क्या दे दिया हमने, ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल पार्ट में, बाहरी पार्ट में नाम क्या दिया हमने, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, इसके अंदर हमने देखा, देखो इसके अंदर हमने देखा, रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने लिखा है SML, दिस इज द एब्रीवेटेड फॉर्म, आई विल एक्सप्लेन इट्स फुल फॉर्म। SML दैट मींस स्मूथ मसल्स लेयर, यू कैन से द स्मूथ मस्कुलेचर लेयर। तो ये मसल्स से बनी हुई, स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई एक लेयर होती है, रेड कलर वाली। सबसे अंदर वाली बात करें, सबसे अंदर है, इसको हम बोलेंगे एंडोथीलियम, सबसे अंदर वाली एंडोथीलियम, सबसे अंदर वाली एंडोथीलियम। उसके बाहर वाली जो बीच वाली होगी वो स्मूथ मसल की लेयर होगी, और जो सबसे बाहरी लेयर होगी, सबसे बाहर की लेयर होगी, उसको हमने नाम दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना दैट मीन्स एक्सटर्नल, दैट मीन्स बाहरी। ठीक है, सबसे पहले आपकी ये बात क्लियर हुई कि जो ब्लड वेसल है वो तीन लेयर्स होती हैं उसमें। अब सपोज करो इंजरी होती है, इंजरी होती है तो क्या होता है उसमें, ये लेयर, ये तीनों ही लेयर रप्चर हो जाएंगी, पंक्चर हो जाएंगी, इनमें छेद हो जाएगा। जब छेद हो जाएगा तो वहां से
ब्लड की सेल्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देंगी। आप शायद इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये नजर आ रहा है आपको। देखो ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है, ठीक है, और इस ब्लड वेसल में से क्या है, ब्लड निकलता है ये यहां से। यहां मैंने वैसे क्लॉटिंग दिखाई हुई है, यहां से ब्लड सेल्स जो है बाहर आ रही है। आप ऐसा ज्यूम कीजिए, यहां से जो ब्लड सेल्स है वो बाहर आ रही थी, लेकिन यहां पर क्लॉटिंग हो गई। आपको एक रेटिकुलर, एक नेटवर्क लाइक, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, जाल के समान, जैसे जाल होता है ना, एक जाल के समान स्ट्रक्चर नजर आ रही है। और इस जाल में कुछ फंसी हुई आपको ये लाल लाल कलर की, रेड रेड कलर की सेल्स भी आपको एंट्रैप्टर फॉर्म नजर आ रही है। इस जाल में, इस मेश लाइक स्ट्रक्चर में कुछ आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह वो फंस चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने एक प्लग फॉर्मेशन कर लिया है, उन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। अब इस कवरिंग के बावजूद, इस मेश लाइक स्ट्रक्चर के बिल्कुल प्लगिंग के बावजूद, इसमें स्पेस नहीं बचा, इसमें इतनी जगह नहीं है कि कहीं से आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है बाहर निकल जाए। बात समझ आई? आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहीं से इसमें से बाहर निकल जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह। तो इस प्रकार से ये ब्लड को क्लोट हुआ है। इसका मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा अभी। यहां आपको नजर आ रहा होगा कुछ सेल्स मैंने ड्रॉ की हैं, प्लेटलेट्स, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं ये, ठीक है, ये कोलाजन फाइबर्स होते हैं, फाइबर से जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जब जुड़ती हैं आपस में तो उस वो क्या मैकेनिज्म होता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है ब्लड क्लोटिंग की या ब्लड कोएगुलेशन की, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड ब्लीडिंग कब होगी? ब्लीडिंग तब होगी जब शरीर में कोई इंजरी हुई हो, शरीर में कोई चोट लगी हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंजर्ड टिश्यू, जो टिश्यू शरीर का जिस हिस्से में, शरीर के जिस हिस्से में चोट लगी, जहां से ब्लड बाहर आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उस इंजर्ड टिश्यू की जो सेल्स हैं, इंजर्ड टिश्यू दैट मीन्स हम कहेंगे इंजर्ड टिश्यू दैट मीन्स इंजर्ड ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल में जब इंजरी होगी तभी तो ब्लड बाहर आएगा। तो इसमें जब इंजर्ड टिश्यू में, यानी कि ब्लड वेसल में जब चोट लगती है, इसमें छेद हो जाता है, ठीक है, जहां से ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है। हमने कहा था सबसे अंदर की लेयर हमने नाम दिया था एंडोथीलियम, तो वो एंडोथीलियम लेयर, यानी कि यहां पे एंडोथीलियम लेयर ब्लड वेसल की, ठीक है, एंडोथीलियम लेयर। और जब चोट लगेगी तो क्या होगा, एयर के कॉन्टेक्ट में ब्लड आएगा, और प्लेटलेट्स एयर के कॉन्टेक्ट में आने के कारण, प्लेटलेट्स जो है एयर के कॉन्टेक्ट में आने के कारण, और ये इंजर्ड टिश्यू की जो सेल्स हैं, वो ये इंजर्ड टिश्यू वाली साइट और ये मिलकर के एक खास चीज रिलीज करते हैं यहां, उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसने रिलीज क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको आप कह सकते हैं टिश्यू फैक्टर, ठीक है, इतनी बात समझ आई। कहने का मतलब इंजर्ड ब्लड वेसल ने और प्लेटलेट ने, जैसे चोट लगी, चोट लगने के बाद में जो ब्लड वेसल थी जो इंजर्ड हुई थी, जिसको चोट लगी थी, उस वाली साइट ने, उस वाली जगह की सेल्स ने और प्लेटलेट्स ने मिलकर के एक सब्सटेंस रिलीज किया, और यू कैन से दैट एक फैक्टर रिलीज किया, उसको नाम दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। देखो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, जानते हो, तो थ्रोम्बोसाइट की वजह से क्या रिलीज हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो चुका है, किसने रिलीज किया, इंजर्ड ब्लड वेसल प्लस प्लेटलेट्स ने। अब क्या होता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं जो कि हमारी प्लाज्मा में होते हैं प्रेजेंट, आप जानते हो ब्लड के कंपोजिशन में हमने प्लाज्मा पढ़ा था, उस प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 7th नंबर का, क्लॉटिंग फैक्टर 10th नंबर का, ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, और कैल्शियम आयन, ठीक है, ये दोनों फैक्टर कैल्शियम आयन, इसके ऊपर अपना एक्शन करते हैं, किसके ऊपर, थ्रोम्बोप्लास्टिन के ऊपर। कहने का मतलब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन से कोई और चीज बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से किसका निर्माण होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से निर्माण होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, ठीक है, एक और एंजाइम या फिर एक और एक ग्रुप का निर्माण होता है, बनता है, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, नाम से पता लग रहा है ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, उसका एक्टिवेटर है। खुद कहां से बनाए, खुद बनाए थ्रोम्बोप्लास्टिन से। किसने बनवाया है, आप कहोगे इसको बनवाया है फैक्टर 7th ने, फैक्टर 10th ने और कैल्शियम आयन ने, तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या बन गया जी, यहां बन गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसका मतलब एक्टिवेटर लगा हुआ है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला, सो दिस इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब क्या होता है आगे, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या काम करेगा, क्यों बनाया है, इसके पीछे कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा, कोई ना कोई रोल, इसका भी एक अहम रोल होगा, इसलिए हमने बनाया, अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो हम इसको क्यों बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनता है ये ब्लड के अंदर।
ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक खास प्रकार का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक खास प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इस इनएक्टिव चीज को हमें एक्टिव करना है। एक्टिव कौन करेगा? एक्टिवेटर, नाम में आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसको एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? जो नाम में लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ था प्लाज्मा के अंदर, ये एक्टिवेट करने वाला एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला ये सब्सटेंस आया, जो कि कहां से बना था? थर्मोप्लास्टिन से। इसने क्या काम किया? इसको एक्टिवेट कर दिया, इस इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट में ले आया, प्रोथ्रोम्बिन को बदल दिया थ्रोम्बिन में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक खास रोल प्ले करेगी विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन के बनने में, या हम यूं कहें कि प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन में, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में, प्रोथ्रोम्बिन के बनने में एक बहुत अहम रोल प्ले होता है, किसका? विटामिन के का, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये विटामिन के लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, विटामिन के से प्रोथ्रोम्बिन बन गया। अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, ठीक है। अब विटामिन के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, आप थोड़ा सुन लीजिए। बाइल जूस नाम सुना है? बाइल जूस लीवर में, बाइल जूस जो है विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करवाता है, किसमें? इंटेस्टाइन में। तो कहीं ना कहीं विटामिन के लिए बाइल जूस का भी एक अहम रोल है। तो इस विटामिन के ने क्या काम किया? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर दिया, जो कि इनएक्टिव स्टेट में पड़ा था, लिखा हुआ है इनएक्टिव स्टेट में, इस इनएक्टिव चीज को इसने एक्टिव बना दिया, और एक्टिव बन गया, क्या बना? थ्रोम्बिन। और देखिए रोल इसका भी है, रोल कैल्शियम आयन का भी, रोल विटामिन का भी है, ठीक है। हमने अभी तक ये जाना कि कैल्शियम आयन प्लस विटामिन के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? ब्लड के कोगुलेशन के लिए। सो प्रोथ्रोम्बिन दैट इज फाउंड इन इनएक्टिव स्टेट इन द ब्लड प्लाज्मा दैट विल बी एक्टिवेटेड बाय द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दैट इज इनिशियली फॉर्म्ड फ्रॉम द थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 7 एंड क्लोटिंग फैक्टर 10th एंड इन द कैल्शियम आयन। थ्रोम्बिन बन चुका है, यहां तक की कहानी शायद आपको समझ आ गई होगी आराम से। थ्रोम्बिन बना जी, थ्रोम्बिन का निर्माण हो चुका है, थ्रोम्बिन एक्टिव हो चुका है, थ्रोम्बिन एक्टिव बन चुका है, ठीक है। कहने का मतलब हम किसी इनएक्टिव पड़ी हुई चीजों को सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट करते जा रहे हैं, एक लंबी कहानी है ये, ठीक है। थ्रोम्बिन बना, एक्टिव स्टेट में है, ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा? इसका भी कोई ना कोई काम होगा। थ्रोम्बिन क्या काम करता है? हमारी ब्लड में, हमारे ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि सोल्युबल फॉर्म में होती है, या हम ये कह सकते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है ना, फिब्रिनोजन प्रोटीन, जानते हो ना, फिब्रिनोजन एक क्लोटिंग प्रोटीन थी प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली। अगर प्लाज्मा के अंदर से इस फिब्रिनोजन को हटा दें तो क्या बनता था? सीरम, स्पेशली मैंने बताया था। तो फिब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेट में आकर के इस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, नाम में लग रहा है फाइबर, फाइबर दैट मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि मैश का फॉर्मेशन करवाएंगे कोलेजन फाइबर से। तो ये फाइब्रिन बनता है जो कि इनसोल्युबल है, जो इनसोल्युबल है तो सीधी सी बात है वो इनसोल्युबल फॉर्म में है, वो घुल करके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो अघुलनशील है वो। तो ये फाइब्रिन्स क्या काम करते हैं? अब ये फाइब्रिन्स देखो यहां पर नजर आ रहे हैं, ये फाइब्रिन्स जो है ये कोलेजन फाइबर्स की सहायता से और ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। मैश लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद में क्या होता है? प्लेटलेट्स अपने आकार में थोड़े चेंज करते हैं, पहले प्लेटलेट्स राउंड शेप में थे, अब वो थोड़ी स्पाइनल हो जाते हैं, थोड़े कांटों के समान अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि इसमें प्लग कर सके, ताकि इसके इस जाल में फंस सके वो ऐसे करके, ठीक है। पहले गोल थी, गोल चीज में रुकेगी नहीं, फंस तो सकती है लेकिन रुक नहीं पाएगी वो ढंग से, ठीक है, इसमें प्लग नहीं कर पाएगी। तो उसमें एक स्पाइनल फॉर्म करके वो एक प्लग बना लेती हैं और इसमें धस जाती हैं। कौन कौन सी? प्लेटलेट्स और आरबीसी, मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये रेड कलर से मैंने आरबीसी ड्रॉ की हुई है, इस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, इसमें जो मैश बना हुआ, जो जाल बना हुआ है, तो ये जो कोलाजन फाइबर्स थे, जो जो जाल जो बनाया था एंडोथीलियम सेल्स का, एंडोथीलियम सेल्स दैट मीन्स द इनर मोस्ट साइड ऑफ द ब्लड वेसल जो इंजर्ड हुई थी, वहां जाल बना, उसमें एंट्रैप हो गई, फंस गई आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, स्पेशली प्लेटलेट्स का काफी रोल होता है। तो ये जो प्लेटलेट्स इसमें फंसी हैं, इसमें वो किसी ग्लू लाइक सब्सटेंस से, किसी गोंद के समान स्ट्रक्चर से, किसी गम लाइक स्ट्रक्चर से वो जुड़ेगी, तभी तो वो क्लंपिंग होगी उनकी, वो उसमें फंस के एंट्रैप होगी। तो कोई हमें गोंद, फेविकोल टाइप में कोई सब्सटेंस चाहिए, वो होता है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है
इसको बोलते हैं VBF, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉन बिलेफॉर्म फैक्टर, इसकी सहायता से वो जुड़ जाते हैं। तो आपने देखा जाल बना, ठीक है, फाइब्रिन ने जाल बनाया जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में था, और इस जाल ने क्या काम किया, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को अपने आप में धसा लिया। धसने के बाद में क्या हुआ, अब वो पूरी तरीके से वो एंट्रैप हो चुके हैं, अब उसमें स्पेस नहीं है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें से बाहर निकल के जाए, ठीक है। तो ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। आपने देखा यहां तक कि ब्लड की क्लॉटिंग जो हो रही है वो, यहां तक आपने समझने का प्रयास किया होगा इसको, कि ये फाइब्रिन जो बना था वो इनसॉल्युबल फॉर्म में था, अब फाइब्रिन प्लस आरबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह ने क्लॉट बना लिया, वो आपस में ऐसे गुच्छे के रूप में जुड़ गए, उन्होंने बिल्कुल एक क्लोज्ड नेटवर्क बना लिया, ठीक है। यहां से जो है ब्लड कोगुलेट हो चुका है। आपने महसूस किया होगा कि ब्लड के कोगुलेशन के बाद में भी, ब्लड के कोगुलेशन के बाद में भी एक कुछ कुछ येलो एक्स्ट्रा कलर का एक सब्सटेंस बाहर निकलता रहता है, रिश्ता रहता है धीरे 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 धीरे, पानी के जैसे बिल्कुल वाटर सब्सटेंस, वो होता है प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन की। फिब्रिनोजन तो यहाँ यूज में आ गई क्लोटिंग की, प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजन निकाल दें तो वो सीरम होता है, उसको बोलते हैं सीरम। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द ब्लड कोएगुलेशन विल टेक्स प्लेस, और यू कैन से दैट हाउ द ब्लड क्लोटिंग अकर्स। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, तो आप ये सब बता सकते हैं उसके बारे में जो पूरा हमने डिस्कस किया है।